अचार तो आपने बहुत खाए होंगे, क्या कभी बैंगन का अचार खाया है? अगर खाया बनाया है तो एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाकर देखिए, और अगर नहीं खाया है तो भी मेरे तरीके से एक बार बनाकर इसका स्वाद चखना तो बनता है। खाने में बहुत टेस्टी होता है और ऐसा लगता है कि बैंगन की कलौंजी को हमने प्रिजर्व करके रख लिया है। बैंगन की कलौंजी खाने का जो शौक़ रखते हैं उनके लिए ये अचार बहुत ही यूज़फुल है। एक बार बनाएं और 15 दिन तक कलौंजी का आनंद लें। और इसे बनाने का एक फ़ायदा और भी है, जब कभी आपका सब्जी बनाने का दिल ना करे तो बस अपने भोजन में इस बैंगन के अचार को शामिल करें और सब्जी की कमी को पूरा करें। ऐसा अचार हर कोई खाना बनाना पसंद करेगा जो खाने के स्वाद को बढ़ा दे। तो चलिए इसे कैसे बनाया है देखते हैं रेसिपी को। हेलो दोस्तों, मैं हूं नीना, वेजिटेरियन फूड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर मैं आधा किलो बैंगन का अचार बना रही हूं, जिसके लिए एक लीटर पानी एक बर्तन में चढ़ाकर उसे कवर कर दिया है और फ्लेम को हाई कर दिया है। बॉयल आने तक वेट करेंगे और तब तक कर लेते हैं बैंगन को तैयार। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए छोटे साइज़ के बैंगन लिए हैं। बैंगन बिल्कुल ताज़े होने चाहिए और इसे मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। और अब बैंगन में हम बीच से कट लगा लेंगे। कट हमें दोनों साइड से लगाना है, इसकी चार फांके बनानी है। नीचे तक बिल्कुल कट नहीं करेंगे, एक इंच लगभग छोड़ देंगे कुछ इस तरह से। और बैंगन को खोल कर कीड़े वगैरह चेक कर लेंगे, अगर कीड़े वाला बैंगन हो तो उसे हटा देंगे। इसी तरह से सारे बैंगन को हम काट लेंगे। बैंगन के इस वाले पार्ट को हमें हटाना नहीं है, ये इसी में जुड़ा रहेगा। चलिए, इधर पानी भी गर्म हो चुका है और अब इसमें हम एक एक करके बैंगन को डाल देंगे। बैंगन को डालने के बाद एक टी स्पून नमक डाल देंगे और इसे उलटते पुलटते हुए अच्छे से पका लेंगे। इसे पकने में उबलने में लगभग 3 से 4 मिनट का वक्त लगता है। अचार के लिए इसे कितना उबालना है अभी आपको बताती हूँ। और जब कुछ इस तरह से उबल जाए तो इसे कवर करके ऐसे ही 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे, गैस को ऑफ कर देंगे। और चलिए अब कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो यहाँ पर एक ट्रे में एक साफ़ सूती कपड़ा बिछा लेंगे और बैंगन कितना कुक करना है पास से आपको दिखाती हूँ। बहुत गर्म है, छुआ नहीं जा रहा है। बैंगन जब हल्के से दबने लगे, आप देख पा रहे होंगे, बस इतना ही हमें इसे उबालना होगा। और सारे बैंगन को हम ट्रे में निकाल लेंगे। लीजिए, पास से आपको दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से दबाकर जब बैंगन में गड्ढे पड़ने लगे तो समझिए कि बैंगन उबल चुके हैं। ओवर कुक इसे बिल्कुल भी नहीं करना है, कोई बैंगन का हमें भरता थोड़ी ना बनाना है भाई। हम तो बनाने जा रहे हैं बैंगन का अचार। और यहाँ मैं अपने लॉन में आ चुकी हूँ, जहाँ पर बढ़िया धूप लग रही है वहीं पर मैंने यहाँ पर बैंगन को रख दिया है। और थोड़ी थोड़ी देर बाद, लगभग 1 घंटे बाद, इन्हें हम बीच बीच में आकर अलटते पलटते रहेंगे, जिससे कि इसका सारा पानी अच्छे से सूख जाए और शाम तक हम इसे इसी तरह से धूप में सुखाते रहेंगे। और बैंगन गलने की जो कसर रह जाती है वो अचार बनने के बाद पूरी हो जाती है। बगल में ये कच्ची हल्दी सूख रही है, जिसे मैंने गांव से मंगवाया है और धोकर अच्छे से धूप में सुखा रही हूँ। और इससे भी बढ़िया बढ़िया रेसिपी लाने वाली हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर लें। मेजरिंग कप से 1 कप सरसों का तेल लिया है और इसे अच्छे से गर्म करके ठंडा कर लिया है, क्योंकि इस अचार में तेल थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। शाम हो चुकी है और बैंगन को अपने किचन में ले आई हूँ। पानी सारा अच्छे से सूख चुका है, हाथ में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अब कपड़े को निकाल लेंगे और बैंगन को ट्रे में पलट देंगे। बैंगन को रख देंगे साइड में और लेंगे छोटा ग्राइंडर जार, जिसमें हम चटनी वगैरह पीसते हैं। डालेंगे 1/2 टी स्पून काली वाली राई, 1 टेबल स्पून पीली वाली सरसों के दाने और 1/2 टी स्पून हींग।
हींग का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा जाता है, इसलिए थोड़ी ज़्यादा मात्रा में डालें और कवर करके सारी चीज़ों को दरदरा पीस लें कुछ इस तरह से। और अब इसी में डाल देंगे 2 गांठ लहसुन की छिली हुई, लहसुन भी इसमें अच्छी मात्रा में पड़ता है। और अब इसे फिर से कवर करके इसे पीस लेंगे। और पीसने के बाद अब लेंगे एक बोल और उसमें लिया है 1/2 कप से थोड़ा सा कम कलौंजी वाला मसाला। नहीं देखा है तो लिंक आई बटन पर दे दिया है, बनाने का तरीका देख सकते हैं। 2 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है और 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च ली है। 2.5 टीस्पून नमक डाला है, नमक की मात्रा को कम बिल्कुल भी ना डालें, भले ही थोड़ा सा बढ़ा लें क्योंकि अचार बनने के बाद थोड़ा खट्टा होता है, इसलिए नमक भी कम डालेंगे तो कम हो जाता है। और जो हमने लहसुन और सरसों का पाउडर बनाया था, पीसा था, उसे भी इसी मसाले में डालकर मिला लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, पर भाई हाथ लगाए बिना बात बनती नहीं, इसलिए विदेशी तरीका छोड़िए, देशी तरीका अपनाइए और हाथ से मसाले को अच्छी तरह से मिलाइए। और अब एक एक करके बैंगन को खोलिए और इसमें अच्छी मात्रा में मसाले को भरते जाइए और हाथों से दबा दीजिए कुछ इस तरह से, आप देख पा रहे होंगे। और इसी तरह से सारे बैंगन को हमें भर लेना होगा। भरने के बाद मिलती हूँ। तो कुछ इस तरह से सभी बैंगन भर चुके हैं और यहाँ जो मसाला बच गया है इसका क्या करना है देखने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। और अब ले लेंगे सरसों का तेल जो पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। एक एक बैंगन को तेल में डालेंगे और चमचे से उसके ऊपर भी तेल डालेंगे और एक चौड़े मुँह के बर्तन में इसे हम रखते जाएंगे जिससे कि इसमें धूप अच्छे से लग पाए। बैंगन को बहुत ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है वरना मसाला निकल सकता है। बहुत सावधानी पूर्वक इस तरह से उस पर तेल चढ़ाएं और बर्तन में निकालते जाएं। जो मसाला थोड़ा सा ट्रे में निकल गया है उसे बैंगन के ऊपर डाल देंगे और जो मसाला बचा है उसमें से भी थोड़ा सा मसाला लेकर ऊपर डाल देंगे और कुछ इस तरह से बैंगन के अचार की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसे हम ऐसे ही रात में किचन में रख देंगे क्योंकि शाम हो चुकी है और कल दोपहर में इसे लॉन में धूप में रखेंगे। और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर पतला सूती सफ़ेद कपड़ा कवर कर सकते हैं। और सुबह हो चुकी है, एक बार हम सभी बैंगन की उल्टा पलटी कर लेंगे कुछ इस तरह से। और उसके बाद चलते हैं इसे रखने वापस से अपने लॉन में। तो यहाँ पर मैंने अचार को धूप में रख दिया है और मिलती हूँ 4 दिन के बाद। और 4 दिन के बाद अचार कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। पास से आप इसकी शक्ल को देख सकते हैं। अब अचार में जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसे हम एक बोल में निकाल लेंगे क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे देखना है क्या क्या होता है। तो कुछ इस तरह से सारे एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल लिया है और मसाला तो हमारा कल बचा ही था, अब उससे हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पर लिए 7-8 लाल पकी हुई मिर्चें, इन्हें हम थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। सभी मिर्चों को हम इसी तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। और उसके बाद अब चढ़ा दिया है एक कढ़ाई, डाल देंगे इसमें अचार वाले तेल को
और अब इसमें डाल देंगे कटी हुई मिर्चों को, स्वादानुसार नमक डालेंगे। नमक हम हिसाब से ही डालेंगे क्योंकि मसाला जो बचा है उसमें भी थोड़ा नमक है। नमक डालने के बाद अच्छे से चलाएंगे और चलाने के बाद कवर करके एक भाप लगा लेंगे, मतलब 4-5 सेकंड के लिए इसे हम कवर कर देंगे और उसके बाद कवर हटाकर फिर से चलाएंगे और बचे हुए अचार के मसाले को डालकर अच्छे से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद ये बढ़िया सा लाल मिर्ची का अचार हमारा तुरंत खाने के लिए तैयार है। गैस को कर देंगे ऑफ और जो अचार में थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा तेल है उसे हम डाल देंगे ऊपर से, जिससे इस अचार में भी एक बढ़िया सी शाइन आ जाए। और अब चलिए भर लेते हैं जार में। ये दोनों ही अचार हमारे डाइनिंग टेबल की शोभा को बढ़ाने वाले हैं और खाने के मज़े को दोगुना करने वाले हैं। अगर आप केवल बैगन का अचार बना रहे हैं तो मसाले की मात्रा को थोड़ा कम कर दें। बैगन के अचार को भी हम ट्रांसफ़र कर लेंगे दूसरे कंटेनर में, जिसमें हमें अचार स्टोर करके रखना है। और जो लास्ट में तेल और मसाला बचा है उसे भी हम ऊपर से डालकर पूरा निकाल लेंगे। तो कुछ इस तरह से दोनों अचार बनकर तैयार है। भाई एक तीर से दो निशाने मैंने लगाए हैं, मतलब एक ही मसाले से दोनों अचार को तैयार किया है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। बैगन के लुक को आप पास से देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। और अगर देखने के बाद मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। और मुझे यकीन है कि इस अचार को देखने के बाद इसे बनाने का मूड तो आप बना ही चुके होंगे। और भाई अब तो होली भी आने वाली है, होली पर हर घर में पूरी कचौड़ी तो बनती ही है। पूरी और कचौड़ी के साथ इस अचार को खाने की बात ही कुछ और होती है। जब तक आप इस अचार को बनाने की तैयारी में जुटे होंगे, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।